हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू क्रेजी किचन। आज हम बनाएंगे आंवला की कैंडीज, जो बड़े और छोटे कोई भी खा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमला कैंडीज बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम्स शुगर, जो कि ग्रैनुलेटेड है। आप कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 500 ग्राम्स है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम्स आमला। ये बाज़ार में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो आप ये ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना कसा हुआ है ये। तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई को हीट करेंगे और इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से हीट हो जाए। अब जैसे ही हमारा पानी बॉईल हो जाएगा, हम अपने आंवला इसमें डाल देंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए उबालेंगे। इससे हमारे आंवला सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, 15 मिनट बाद हमारे आंवला अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसके पानी को ड्रेन करके आंवला को निकाल लेती हूँ। और ये रहे हमारे आंवला। आप देखिए, अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो और ये दब भी रहे हैं। और ये अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये बहुत ही ईजिली खुल जाएगा। इसके सारे स्ट्रैंड्स खुल के निकल जाएंगे। तो देखिए, मैं इसको हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और इस तरह से इसके सारे के सारे स्ट्रैंड्स निकलने लगे हैं। तो हमें आंवला को एकदम ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्के से वॉर्म रहेंगे हमें तभी इसका ये निकालना है। तो देखिए, मैं इसका इस तरह से इसके सारे स्ट्रैंड्स को निकाल करके एक बर्तन में रख रही हूँ। और जो भी ये बीज बच जाता है, इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल के रख दूंगी। और इसी तरह से हम अपने सारे आंवला के स्ट्रैंड्स को निकाल करके अलग कर देंगे। देखिए, बहुत ही इजीली ये निकल रहे हैं। और इसी तरह मैंने अपने सारे आंवला के स्ट्रैंड्स को निकाल लिया है। इसे आप एक बड़े बर्तन में रखिएगा। और इसके बाद हमने जो शुगर ली थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे। हमें इसे मिक्स नहीं करना है, जस्ट जैसे ही है उसको वैसे ही डालते जाएंगे। और ये पूरी शुगर से इसे कवर कर देंगे। क्योंकि मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ। मगर अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो ये इजीली इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और 3 दिन के लिए इसे रख देंगे। तो मिनिमम आपको इसे 3 दिन के लिए रखना है। देखिए, मैंने शुगर इसमें डाल दी है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे 3 दिन के लिए हम एक साइड में रख देते हैं। और देखिए, तीसरा दिन हो गया है। अब मैं इसे कवर हटा के दिखाती हूँ। मैंने इसे दूसरे यूटेंसिल में डाल दिया था, जो कि बड़ा है। और ये देखिए, 3 दिन के बाद ये हमारे आंवला के कैंडीज अच्छी तरह से शुगर सिरप में कोट हो चुके हैं। तो चलिए, मैं इसे निकाल करके एक ट्रे में रख लेती हूँ। तो मैं छन्नी की हेल्प से इसे इस तरह से छान करके ट्रे में रख रही हूँ और इसे हम इस तरह से फैला के रखेंगे। और अपने सारे के सारे आंवला के स्ट्रैंड्स को निकाल लेंगे शुगर सिरप से। ये देखिए, मैंने सारे के सारे आंवला को निकाल लिया है। और ये बचा हुआ जो शुगर सिरप है, इसे मैं कंसेंट्रेट करके इसका
हनी बना लूँगी और ये आंवला के स्ट्रैंड्स को मैं धूप में 3 दिन के लिए सुखाऊंगी और इसे हम धूप में रख देंगे 3 दिन के लिए। और ये देखिए मैंने शुगर सिरप को कंसंट्रेट कर लिया था और ये हमारा हनी रेडी है। और अब ये आंवला 3 दिन तक धूप में अच्छे तरह से सूख चुके हैं, इसमें जो चिपचिपाहट है वो चली गई है। तो अब ये जो मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है और ये देखिए ये हनी है जो मैंने रेडी किया था और ये हमने साथ ही पाउडर्ड शुगर ली है। ये जो हनी आप देख रहे हैं ये एकदम बाजार जैसा इसका टेक्सचर आया है, आप ये अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिए, आप भी इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगी, आपको इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आएगी। और ये देखिए मैं इसे एक प्लेट में रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं पाउडर्ड शुगर को डाल रही हूँ। इसे क्या होगा, जितनी भी शुगर है वो इसके ऊपर कोट हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगेगा। इसको छोटे बड़े बच्चे हर कोई खा सकता है, हर कोई कंज्यूम कर सकता है और ये बहुत ही हेल्दी है। तो ये ज़रूर आप अपने घरों में बनाइए, बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा है आप घर पे बनाइए और इसे घर पे बना करके यूज़ करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो लेके आ सकूँ।